अस्सलामु अलैकुम जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 4 गिनती स्वदे पुतिका। बच्चों हम 51 से 100 तक की गिनती को समझ चुके हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में रुपये पैसों की गिनती करनी पड़ती है हमें, बराबर। मतलब हमें गिनती की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और इस पाठ में हमने 51 से 100 तक की गिनती को सीख लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं स्वाध्याय पोथीकाम, जिसमें पहला प्रश्न देखें, उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। जैसे कि यहाँ पर है 85, बराबर। तो हमें यहाँ पर 85 ज में मिला है, तो हम यहाँ बॉक्स में ज लिखेंगे। इसी तरह ये क्या है, आपको इसका उच्चारण करना है। तो ये क्या है, शब्दों में बोलिए, ये तो क्या आएगा, 73 है। तो हम लिखेंगे क, 73 कहाँ पर है, क में, तो हम यहाँ क लिखेंगे। अब देखो ये क्या हैगा, ये है 69, 69 छः में है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। आगे देखें 56 ग में, आगे है 99 ख, आगे आएगा 88 ग और 76 च। इसी तरह हमें जोड़े मिलानी है, समझ में आया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। हमें यहाँ पर संख्या अंक में दी है, जिसे हमें शब्दों में लिखनी है। पहला है 75, हमें इस तरह लिखना है 75। दूसरा 90, तो हमें इस तरह 90 लिखना है। आगे नंबर 3 है 54, 54। नंबर 4 89, 89 लिखना है। 67, तो 67 हमें इस तरह लिखना है। और नंबर 6 है 93, तो हमें 93 इस तरह लिखना है। मतलब हमें यहाँ पर जो अंक दिए हैं उसे हमें शब्दों में लिखने हैं। आगे देखें प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखने हैं। अब हमें अंक में लिखना है, जैसे 57, तो हमें यहाँ पर अंक में इस तरह लिखना है 57। 63, 63। 77, 77 इस तरह आएगा। 83, 83 इस तरह लिखना है। 95, 95 इस तरह आएगा। 53, 53। 66, ध्यान से देखना बच्चों, हम सीख ही चुके हैं। 79, 79। 87, 87। 91, 91। प्रश्न नंबर 4, अंकों और शब्दों की जोड़ मिलाइए। यहाँ पर है 59, तो हमें यहाँ पर ब में देखना है 59। ये रहा यहाँ पर है, तो हम उत्तर में भी लिख देंगे 59। फिर क्या है, ये 70, 70 ये रहा, 70 लिखेंगे। 71, 71। 84, 84। 96, 96। 51, 51। 65, 65। 74, 74। 97, 97। 92, 92। इसी तरह आपको अंकों और शब्दों की जोड़ भी मिलानी है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों के लिए गुजराती शब्द लिखिए। जैसे पहला है तकिया, तकिए का क्या आएगा, ओसिको। तकिए को गुजराती में ओसिको कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओसिको। कंगा, कंगा यानी गुजराती में इसे कास्को बोलते हैं, कंगा कास्को। खरल, खल, खरल को गुजराती में खल कहते हैं। चार पाई यानी खाटलो,
चारपाई, खाटू। उपला, उपला यानी छाणू। नीचे दिए हुए गुजराती शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखने हैं। हमें यहाँ पर गुजराती शब्द दिए, इसे हमें हिंदी में लिखना है। जैसे कि नंबर एक है वरंडो, तो क्या आएगा? बरामदा, वरंडो बरामदा। नंबर दो कबाट, क्या आएगा? अलमारी, कबाट अलमारी। फिर है जाजरू यानि पाखाना, पाखाना। नंबर चार नरयू, उसे हिंदी में कहते हैं खपरेल। और नंबर पाँच घड़ियाल यानि घड़ी। प्रश्न नंबर सात, कोष्ठक में से दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर हमें लिखनी है। जैसे कि खाली जगह 30 वर्ष का है, तो क्या आएगा? वह, वह 30 वर्ष का है। सर्वनाम हमें यहाँ चुनकर लिखनी है। नंबर दो पता नहीं खाली जगह दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो क्या आएगा? कौन। नंबर तीन पुस्तक रुचिकर है, खाली जगह में भी पढ़ूंगी उसे, क्या आएगा? उसे। पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी पढ़ूंगी। खाली जगह सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा, क्या आएगा? मैं, रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। आगे है उचित जोड़ मिलाइए, तो पहला आएगा, यहाँ पर हमें चिन्ह दिए हैं जिस पर हमें बताना है। जैसे कि ये क्या है बताता है, यह बताता है कि आगे बम्प है, तो हम यहाँ लिखेंगे आगे बम्प है, ग में दिया है। और ये क्या बताता है, माइलस्टोन, अंतर्दर्शक, अंतर बताता है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे माइलस्टोन अंतर्दर्शक। आगे देखें नंबर तीन रेलवे फाटक, यह चिन्ह हमें रेलवे फाटक बताता है, तो हम लिखेंगे रेलवे फाटक। और ये है खतरा, बराबर, क मतलब खतरा। बच्चों समझ में आया? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। थैंक यू।